सारे दर्शकों ने राम राम। आप लोगों ने आज ऐसी चीज दिखावांगे शायद वो बहुत कम जगह मिलेगी। मेरे पीछे आप देखने लग रहे हो नीचे किसान है, जो किसाना ने जो शहादत दी थी उनकी मूर्तियां लग रही है। ऊपर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी बताओगे कौन सा ट्रैक्टर है और के खासियत है इसकी। और ऊपर किसान और किसान की घर वाली और बच्चे हैं, बैल है, मतलब वाला जो तो लग रहा है वो सारी चीज आप लोगों ने दिखावांगे। ये क्यों बनाया गया हो रहा है जीन जिले के गुलकणी गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं। और नीचे जो जिन्होंने शहादत दी है वो उनकी मूर्ति लगाई गई है, या फिर हम जो कंडाला कांड की बात करें, जिस टाइम कंडाला कांड हुआ था उस समय जिन लोगों ने शहादत दी थी, जिन किसानों को गोली लगी थी, या फिर हम कह सकते हैं जो किसान आंदोलन अभी 2020-21 में चला था उसके दौरान जिन लोगों की शहादत हुई है उनकी यहाँ प्रतिमा लगाई गई है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं। और यहाँ शहीद सरदार भगत सिंह की प्रतिमा, और आगे देखें तो सर छोटू राम की प्रतिमा है। और इस साइड आपने दिखाना चाहेंगे कि ये जो प्रतिमा है राजकुमार सुनोप श्री जगदीश गांव इगरा, मतलब जो जींद जिले के हैं या फिर नोगा मखाप के हैं या किस तरह, वो बातचीत हम करेंगे। और ऊपर भी चल कर दिखाएंगे आखिर किस तरह बनाई गई है, एक मतलब अच्छा डिज़ाइन किया गया है। तो ऊपर जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी बताना चाहूँगा कि ये ट्रैक्टर कौन सा है, इसकी क्या खासियत है। ये ट्रैक्टर है जिस समय किसान आंदोलन चल रहा 2020 की बात है, उस समय ये ट्रैक्टर सबसे पहले जाने वाला ट्रैक्टर है जो किसान आंदोलन में सबसे आगे, जो टिकरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन के दौरान ये ट्रैक्टर गया था वो ट्रैक्टर है। अभी हम ऊपर चलते हैं, वो दिखाते हैं। तो ये ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर अभी हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को, कौन सा ट्रैक्टर है, आखिर क्यों यहाँ रखा गया है। देखिए ये एक धरोहर के रूप में यहाँ रख दिया गया है। तभी हम ये गेट खोल लेते हैं ये, और इस पर किसान भी बिठा दिया गया। पहले हम काफ़ी समय पहले आए थे लेकिन ये किसान भी था उस समय रखने लग रहे थे और ना ही ये ऊपर किसान था। तो ये वो ट्रैक्टर है नोगा मखाप का जो 26 नवंबर 2020 से 9 दिसंबर 2021 तक है, यानी पूरे आंदोलन में ये ट्रैक्टर वहीं पर रहा। और इस ट्रैक्टर जो मतलब टिकरी बॉर्डर पर जाने वाला ये ट्रैक्टर सबसे आगे था, सबसे पहला नंबर का ट्रैक्टर था ये, और इसी ट्रैक्टर को यहाँ रखा गया है। तो ये ट्रैक्टर देख लिया आपने, धरोहर का रूप में इसको रख दिया गया है। और आगे इसके जो शीशा लग रहा है, इस शीशे पे क्या लिखा गया है, भारतीय किसान यूनियन नोगा मखाप, जय जवान जय किसान। और अभी आपको ऊपर से दिखाएंगे, चलिए एक बार ऊपर जो किसान और जो किसान की घर वाली है उसकी मूर्ति बनाई गई है, तो ये देख लेते हैं अभी हम किस तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया गया है, जो भारतीय किसान यूनियन इसके आगे भी लिखा गया है। तो ये मूर्ति है कितनी ज़बरदस्त, और किसान भी कोई हड़का फड़का नहीं, बिल्कुल ठाडा आदमी बना रहा है, ठाडा किसान है, तो बिल्कुल देख सकते हो। और बैल है, बैलों की जोड़ी भी आप देख सकते हैं, मतलब गजब के बैल बना रखे हैं, तकड़े जोड़ा बिल्कुल अच्छा है। और ताऊ और ताई यानी किसान और किसान के घर वाली आपकी आप तस्वीर देख लें, उस साइड बच्चा भी दिखाई कुंडले ही देखिए, उस साइड बच्चा भी यानी किसान का पूरा परिवार है, किसान का जो पूरा परिवार है वो आपको दिखाई दे रहा है। जींदा सी रोड है जो यहाँ से देखिए बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है, रोड दिखा तो ये रोड है, इस रोड से ये बिल्कुल अच्छा दिखाई देता है, एक अच्छा व्यू बनता है, यानी पॉइंट ऑफ व्यू जिसको बोलते हैं बिल्कुल अच्छा बनता है। और ये गुलकणी गाँव का बोर्ड दिखाई दे रहा है, जूम कर, ये गुलकणी गांव का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रतिमाएं लगाई गई है और जो मूर्तियां लगाई, ट्रैक्टर रखा गया है नोगामा की तरफ से रखा गया है, और बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू कह सकता हूँ मैंने, मतलब अच्छा धरोहर के रूप में इसको संजो कर रखा है, कितना अच्छा दिख रहा है। और जो किसान आंदोलन के दौरान या फिर कंडेला कांड के दौरान जो किसानों ने शहादत दी थी उनको याद रखा जाएगा, इसलिए इनकी प्रतिमा लगाई गई है। तो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, और आगे जो शहीद सरदार भगत सिंह और सर छोटू राम की ये फोटो जो प्रतिमा है वो भी लगाई गई है, तो बिल्कुल है। और साथ में एक बड़ा तिरंगा भी लगाया गया है, तिरंगा जो हमारे देश की शान है। और ऊपर की बात करें तो किसान और किसान का परिवार है जो जोत रहा है, तो उस समय की ये प्रतिमा है या मूर्तियां है वो दिखाई गई है। और ट्रैक्टर की बात करें तो हम ट्रैक्टर आप लोगों को बता दिया कि जिस समय किसान आंदोलन चला था 2020 में उस समय सबसे पहले जाने वाला ट्रैक्टर, ये जो विजेता लिख भी रखा है इस पर कि किसान आंदोलन विजेता दिल्ली, ये जो फार्म ट्रैक 60 है ये ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहा है। और ये गुलकणी गाँव की तस्वीर है
जींद जिले का गुलकणी गांव है, और जो प्रतिमाएं लगाई गई हैं, यह जिन्होंने शहादत दी उनकी प्रतिमाएं लगाई गई ताकि उनका जो परिवार है, उनके बच्चे हैं या फिर जो समाज है, इनको याद करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।